पानी बचा बचा के पीऊँ ताकि मेरे को करेट उठानी ना पड़े, क्योंकि जब जब मेरे को करेट उठानी पड़ती है तब तो मेरा सर्वाइकल ज़्यादा हो जाता है। दो दिन मेरी आवाज़ में बिल्कुल सुन रहती है, सर्वाइकल ना होता फिर तो मैं उठा लेती। 10 मिनट हो गया मेरे को यहाँ पर बैठे, काफ़ी लड़कियाँ आई गई, उन्होंने देखा मेरे को स्ट्रगल करते हुए, पर कोई हेल्प नहीं करता क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं करता, बस नहीं करता। लाश नहीं तरीकते और पीछे खून लगा होता है, सेम लाइक दैट। हर बार एक बॉटल फट जाती है, पता नहीं एक फटी है, दो फटी है, कितनी फटी है, आई थिंक 3 फट चुकी है। जग में डाल लेना, जग ग्लास में डाल लेना, पहले इसको पी लेना, कोई फटी नहीं, कोई नहीं, इसको भी उल्टा रखना। कौन से फ्लोर पर? टॉप फ्लोर। टॉप टॉप पर? हाँ जी बेटा, भाई दिया दे लिया करो ना किसी को, अंकल कोई लड़की मदद ही नहीं करती। आप क्या करते हो यहाँ पे? कारपेंटर है बेटा। अच्छा आप यहीं पे होते हो? कौन सा रूम है? इस साइड। हाँ जी अंकल कितने अच्छे हैं यार। मैंने एक बात बोलूं, लड़के हमेशा अच्छे होते हैं लड़कियों से। जब मैं इन बॉटलों को तरीक रही थी ना, जब इन बॉटल्स का खून हुआ था, मतलब नीचे में खून के जो मैं आपको दिखा रही थी छींटे, वहां पे 4 लड़कियां पीछे से आ रही थी और चारों मेरे को देख रही थी तरीकते हुए, एक भी आगे नहीं है हेल्प करने। इसलिए मेरे को लड़कियां पसंद नहीं है बिल्कुल भी। उनको पता था कि मैं कितनी मजबूरी से लेके जा रही हूँ, फिर भी आगे नहीं आई। अंकल इतने अच्छे अंकल ने दूर से देखा, उन्होंने बोला बेटा मेरे को तो मैं ले जाता हूँ। मेरे को नहीं पसंद लड़कियां बिल्कुल भी, मतलब मेरे को दुख लगता है यार। यार क्या मैं हर व्लॉग में रोती रहती हूँ? एंड आई एम डन। बॉटलें तरीक तरीके, थर्ड फ्लोर तक बॉटलें तरीक तरीके, थक जाती हूँ बहुत यार। दो दिन फिर बाजू में मेरी सुन रहती है बिल्कुल, सर्वाइकल की वजह से। सर्वाइकल ना हो तो मैं ले आ सकती हूँ। मेरे को नहीं लड़कियां पसंद। हाँ मैं भी लड़की हूँ, पर अगर मैं किसी को देखूंगी ना ऐसे तरीके में, मैं पक्का उसकी हेल्प करूंगी। और अगर तुम लड़कियों में से कोई भी मेरा व्लॉग देख रहा है ना, आई हेट यू, ओके? तुम आ सकती थी आगे हेल्प करने, मैं तुमको तमाचा नहीं मार देती कि नहीं दफा हो जाओ, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। मुझे हेल्प चाहिए थी, तुम खुद दिख रहा था कि मुझे हेल्प। मैं इतना क्यों बोल रही हूँ? लड़के फिर भी अच्छे होते, अगर कोई लड़का होता ना देख रहा होता, इवन अगर कोई लड़का होता ना जिसको हेल्प चाहिए होती, तो दूसरा लड़का आराम से आके उसकी हेल्प कर देता। लेकिन लड़कियां कभी लड़कियों की, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, एक औरत ही कभी औरत को ऊपर नहीं चढ़ने देती। छोड़ो यार, पर मेरे कोई लड़के दोस्त भी नहीं बनते, जिनको दोस्त बनाओ वो प्रपोज कर देते। इसलिए मतलब मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, खाली कोको मेरा दोस्त है। बालों का इतना खराब हाल है ना, मतलब अब मैं कहीं बाहर जा ही नहीं सकती क्योंकि मेरी कटिंग इतनी खराब हो रखी है। मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर गंगी मारती नहीं हूँ, इनको ऐसे करके ऐसे बिठाना पड़ता है इनको। ये बाल, इस कटिंग में बाल ऐसे होते, ऐसे अंदर की तरफ जाते हैं। और मेरे देखो यार, ये कितना टेस्टी होता ना। इसको टेस्टी करने का एक और तरीका बताऊं, मतलब ये और टेस्टी हो जाए, जिससे बीच में नींबू डालो। क्या यार इतने बीज निकाले फिर बीज। क्या यार, ये बड़ा रफड़ है यार। किचन ना होना हॉस्टल में, एक साथ किचन भी होनी चाहिए बच्चों के लिए। हर रूम में बालकनी के साथ किचन भी, साथ एक अटैच वॉशरूम भी। तुम डीसी लगे हो यार। मैंने ब्लॉग किया अभी शाम को स्टार्ट, ठीक है, जो क्रेट वाले अंकल आए पानी देने। तो उसके बाद फिर मेरा प्लान था कि मेरी फ्रेंड आएगी तो मैं उसके साथ खेलने जाऊंगी, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर ही, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तो हमने सोचा था कि हम ऐसे वहां जाएंगे, पर वो नहीं आ रही, उसका प्लान कैंसिल हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, नहीं गई तो फिर ब्लॉग यहाँ पे बैठ के मैं बना सकती हूँ। पानी आया मुंह में पानी आया। सॉरी यार मैंने आपके मुंह में पानी लगवाया, लाया। प्लीज स्किप कर दो यार, अगर तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। यार मेरा सर्वाइकल बहुत बढ़ गया है। हाँ मेरा पोस्चर बैठने का अच्छा नहीं है, इसे बैठना चाहिए, पर ना जब मैं ऐसे करके नीचे देखती हूँ ना तो मेरे को ज्यादा दर्द होती है। चलो मैं प्रेफर करती हूँ ऐसे करके नीचे देखूँ, पता यहाँ से बड़ा गंदा दर्द निकलता है। दिन ब दिन मेरा सर्वाइकल बढ़ता ही जा रहा है। मैंने फैन ऑन किया है, सॉरी यार आवाज में प्रॉब्लम आई क्या? सॉरी प्लीज एडजस्ट कर लो यार। मेरे को ना बड़े टाइम से स्केटिंग करने का मन कर रहा है, पर मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मेरे को सर्वाइकल है। मतलब स्केटिंग के टाइम में थोड़ा ऐसे नीचे थोड़ा बेंड होकर स्केटिंग करनी पड़ती है, मतलब मेरे को बाकियों का मेरे को पता नहीं। इसलिए सोच रही हूँ कि थोड़ा सर्वाइकल ठीक हो फिर जाऊंगी स्केटिंग करने। यही पे यूनिवर्सिटी के अंदर ही ग्राउंड है,
वहाँ पे पहले करती थी मैं, पर फिर मेरे को ना लेग पेन स्टार्ट हो गया सर्वाइकल का करके। अभी अगर मैं ऐसे बैंड हुई रही ना तो मेरे को यहाँ पे दर्द स्टार्ट हो गया। फिर भी मैं व्लॉग एडिट करती हूँ पता है, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, फिर भी आप लोग मुझे प्यार नहीं दिखाते, फिर भी आप लोग मुझे कमेंट नहीं करते मतलब मेरे व्लॉग पे। मैं जा रही हूँ नहाने, मेरे बाल बहुत खराब हो रखे हैं और साथ में मैं इन बालों की पोनी भी नहीं कर सकती यार। ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, मेरा फोरहेड आ रहा है कि नहीं, खोपड़ा आ रहा है? अगर नहीं आ रहा हुआ ना मैं ये डाल दूंगा। ये जो बचा हुआ नींबू है ये मुंह पे लगा सकते हैं। मेरे को आजकल बड़े दाने हो गए, मेरे को बड़ी गंदी आदत पड़ गई है चीनी खाने की। मेरे पास चीनी का डब्बा पड़ा पूरा इतना बड़ा, इस चीनी के डब्बे में मतलब इस पता नहीं किसके डब्बे में चीनी डाल के रखी है। तो मैं सोच रही यार चीनी का क्या करूं, जब वापस घर जाऊंगी तो साथ ले जानी पड़ेगी, तो इससे अच्छा खत्म कर देती हूँ। मैं खत्म भी नहीं कर सकती इतनी सारी चीनी है, रोज खानी शुरू कर दी और फिर मुझे चीनी खाने की आदत होगी, तो इसलिए मेरे मुंह पे पिंपल्स हो गए। और नींबू लगाना मुझे पसंद नहीं है, पर लगा रही हूँ क्योंकि इससे ना दाग पिंपल के दाग वगैरह साफ हो जाते हैं। और आजकल मैं एडिटिंग वगैरह कम करती हूँ, और मैं मतलब जैसे स्टोरी टेलिंग मैंने अभी जो डाली उसमें मैंने एडिटिंग वगैरह कम की, और अच्छा है यार एडिटिंग कम करना। मतलब फिर भी मेरे को टाइम लगा उसको एडिट करने में, पर इतना टाइम नहीं लगा जितने नॉर्मल व्लॉग एडिट, पता नहीं मेरे को व्लॉग एडिट करने में इतना टाइम को लगता है, शायद मेरे को ज्यादा बकवास करती हूँ इसलिए। कट लग जाए तो मतलब उस पर नींबू लग जाए तो कितना साड़ा पड़ता है ना, और कट लग जाए और सैनिटाइजर यूज करना पड़ जाए, फिर बार बार सैनिटाइजर यूज करो फिर कितना साड़ा पड़ता है ना, मैं कितनी बकवास करती हूँ यार, सॉरी यार। और मैं सुबह से बाहर नहीं गई, मुझे बाहर जाके थोड़ी वॉक करनी चाहिए। मैं डबल मास्क पहन के जाती हूँ, और मैं मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती। अगर कोई रस्ते में मिल जाए तो मैं उसको बोलती हूँ प्लीज दूर खड़े हो जाओ, दूर खड़े होकर बात करो मुझसे, इसलिए मैं अच्छी बच्ची हूँ, मैं प्रॉपर कोविड के नॉर्म्स फॉलो कर रही हूँ। नॉर्म्स बोलेंगे ना जो भी रीति रिवाज कोविड अंकल के। देखो यार कितना अच्छा मौसम है बाहर, इस वक्त धूप भी जा रही है और यूनिवर्सिटी में शाम को घूमने में मजा आता है यार। मैं इतनी वो ना मतलब क्या बोलते हैं मतलब दिमाग खाली को मैं क्या बोलूंगी, मतलब क्या बताऊँ, मतलब मैं कपड़े उठाए अपने ठीक है, और मैं टॉवल ढूंढ रही हूँ ठीक है। और आप मानोगे दी, पहले ऐसे इधर उधर कपड़े इधर उधर करके टॉवल ढूंढा, उसके बाद मैं टॉवल इसमें ढूंढ रही हूँ। आप मानोगे ऐसे फ्लोर लगी हूँ, फिर मैं सोच रही हूँ मैं इसमें क्या ढूंढ रही हूँ, इसमें क्या ढूंढ रही हूँ बिल्कुल भूली। फिर याद है कि मैं नहाना है, फिर कह रहा था मैं टॉवल ढूंढ रही हूँ, इसमें टॉवल ढूंढ रही हूँ, क्या मतलब क्या है यार, मतलब फिर नहीं रोने वाले इशारे नहीं करने, बहुत पागल हो गया यार मैं आजकल, पता नहीं हर ब्लॉग में ऐसा नहीं है कि मैं दुखी होती हूँ, मैं भी दुखी फेसेस बना दी ऐसे बात बिल्कुल नहीं है कि मैं दुखी हूँ। और हाँ ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी में मैं वॉक करने जा रही हूँ, टोटली माय ऐसा नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी में वॉक करने जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी क्राउडेड एरिया में जा रही हूँ। यूनिवर्सिटी खाली होती है शाम के टाइम, मतलब शाम के टाइम थोड़े बच्चे होते हैं, अब यूनिवर्सिटी में बच्चे कम बचे तो इसलिए हम वॉक कर सकते हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, हम आराम से अपना सोलो वॉक कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मतलब किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं आने वाले। और पता है 10th क्लास के बाद मैंने कंघा कभी यूज ही नहीं किया, क्योंकि बस नहीं किया, मेरे को अच्छा नहीं लगता था कंघी करना क्योंकि दर्द होती थी, करना पड़ रहा है क्यों करना पड़ रहा है। वैसे जो मैंने पिछली कटिंग कराई थी उसमें भी कंघी नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन इस कटिंग में जो कंघी नहीं ना करो तो बाल ना थोड़े ऐसे बाहर की तरफ हो जाते हैं, तो इनको अंदर की तरफ करना होता है क्योंकि पीछे वाले बाल छोटे हैं, आगे वाले लंबे हैं, तो फिर वो बहुत फनी लगता है। पहले मेरे एटीएम जाना है, फिर मैंने दवाई लेने जानी है, फिर डॉगी कोई मिल गया तो उसको फीड कर दूंगी, और फिर उसके बाद वीरका की शॉप खुली हुई तो वहाँ से मैंने फ्लेवर्ड मिल्क पीना वो पी लूंगी। या तो यहाँ पे कोई पिल्लों का ब्लास्ट हुआ है, पर मेरे को लगता है ये ना पेड़ से निकलता है, देखो कितना क्यूट है ये, हर जगह पड़ा हुआ है, इसका पिल्लो बना सकते हैं पता है। अगर मैं वेली होती ना यहाँ पे आके इकट्ठा करती है, लग रहा बर्फ पड़ी है। एक एटीएम वहाँ पे बंद है, मैं दूसरा देखने जा रही हूँ वो भी बंद हुआ, तो फिर मेरे डिपार्टमेंट नीचे एक एटीएम है वहाँ पे जाना पड़ेगा, पर दूर पड़ जाएगा फिर वापस। या यार ये दे, क्या यार हाथ से खोलना पड़ेगा यार, बच्चों को खाने दे आंटी, आंटी अच्छा ये लो और स्टीम वाले कैप्सूल होते ना, और कैल्शियम होगी फेलकोल दे दो, 50 रुपए दर्जन, 30 रुपए के डाल दो, गले नहीं डालना, पक्के डालना। अंकल मास्क तो लगाओ, मास्क ऊपर करो, मास्क क्यों नहीं ऊपर करते। ये अंगूर किस तरह है, अंगूर दे दो 20 के दे दो। सारे काम निपटा लिए, ऐसे ऐसे लास्ट काम है वीरका से फ्लेवर्ड मिल्क पीना है। यस वीरका खुला है,
तो एक सीढ़ी छोड़ो ऊपर से मास्क हाँ जी मिल ही जाते हैं। मुंह में पानी ना लाओ, ये कोई इतना टेस्टी नहीं है क्योंकि पानी बिल्कुल गरम गरम है, क्योंकि थर्ड फ्लोर में इतनी गर्मी है और मेरी सारी बॉटल्स का पानी इतना गरम हो रखा है, ठंडा होता तो टेस्ट आता है। ठीक है, वैसे मुंह में पानी ना लाओ यार, मुझे व्लॉग में खाने पीने वाली चीजें दिखाने का मन नहीं करता यार, फिर कोई तरस जाए फिर दुख लगता है। तरसा मत करो ठीक है, बस मैं चाय दिखाती थी क्योंकि चाय तो ऑन स्पॉट हर किसी के घर में बन जाती है ना फटाफट। तो यार मैं कितनी बकवास करती हूँ यार, मतलब जैसे मैं बता रही हूँ तरसना नहीं ठीक है, आप जाके ये लेके आओ बाजार से ग्लूकोज और फिर पी लो ठीक है अगर मन करता है तो।